नाज़रीन, यू आर वाचिंग गेम डॉट। नाज़रीन, आई एम बैक विद न्यू एंड एक्साइटिंग वीडियो। नाज़रीन, आज मैं इस वीडियो में आपको पोको एम थ्री के बारे में बताऊंगा। फ्रेंड्स, आपको बताएं, पोको ने अभी रिसेंटली पोको एक्स थ्री को लॉन्च किया है पाकिस्तानी मार्केट में। पोको ने जो है ना एक और न्यू डिवाइस पोको एम थ्री को लॉन्च करने का फैसला किया है। तो इस वीडियो में मैं आपको पोको एम थ्री की तमाम स्पेसिफिकेशन, इसकी रिलीज डेट और उसकी प्राइस सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। तो स्टे ट्यून ओवर वीडियो एंड डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर अवर लेटेस्ट वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इसका ओवरव्यू देते चलें, पोको एम थ्री जो आप चाइनीज मार्केट में तो लॉन्च हो चुका है, ये बिल्कुल एज रेडमी नोट टेन की तरह है। इसकी तमाम स्पेसिफिकेशन जो पोको एम थ्री में, वही सेम जो है ना स्पेसिफिकेशन रेडमी नोट टेन में है, क्योंकि पोको रेडमी का ही सब ब्रांड है। इस वजह से रेडमी नोट टेन में जो डिवाइसेज हैं उनमें कुछ रद्द बदल करके पोको एम थ्री को पाकिस्तान मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात करें इसके डिजाइन की। ये आपको 6.53 के आईपीएस पैनल में देखने को मिलेगा, जबकि इसमें फुल एचडी रेजोल्यूशन दी गई है। बात करें इसके बैक के डिजाइन की, इसमें टॉप लेफ्ट पे ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, जबकि साइड में आपको फिंगरप्रिंट मोड। फ्रंट की, तो इसमें फ्रंट में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी गई है, जबकि वाटर ड्रॉप नॉच इसमें दिया गया है। बात करें इसके कैमराज की, तो पोको ने इसमें काफी अच्छा कैमरा सेटअप दिया गया है। बैक में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर होगा, 8 अल्ट्रा वाइड और 2 माइक्रो सेंसर हैं। जबकि बात करें फ्रंट में आपको इसको 20 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलेगी। इसमें कैमरास तो काफी अच्छे हैं, कैमरा लवर में तो आपको बहुत अच्छा ये वॉच डिवाइस है। जबकि बात करें अब इसके सॉफ्टवेयर की, ये आपको लेटेस्ट एंड्रॉयड 10 में देखने को मिलेगा। जबकि इसमें प्रोसेसर की बात करें तो इसमें स्नैपड्रैगन 662 का चिपसेट लगाया गया है, जो कि 11 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन पर बेस करता है, जबकि इसका इंटरनल स्कोर 1,83,000 के लगभग है। जबकि बात करें इसकी परफॉर्मेंस की, ये 660 की तरह ही है, लेकिन उससे काफी थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देगा। इसमें आपको गेमिंग इतनी अच्छी तो बहुत ज्यादा अच्छी तो नहीं होगी, लेकिन नॉर्मल गेमिंग आप इसमें आराम सुकून से खेल सकते हैं, जबकि ये पबजी मीडियम लेवल पे अच्छी आपकी चल जाएगी।